दोस्तों, जिस तरह कुछ लोग ऊंचाई से डरते हैं उसे एक्रोफोबिया कहते हैं, और जो हवाई यात्रा से डरते हैं उसे एरोफोबिया कहते हैं। इसी तरीके से एक फोबिया है नवोफोबिया। जी हाँ, नवोफोबिया एक ऐसा डर है जो आपको तब लगता है जब आपका मोबाइल आपके पास नहीं होता। दोस्तों, आपके हाथ में जो फ़ोन है, क्या आप उसे सचमुच कंट्रोल कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको बार बार अपनी नोटिफिकेशन चेक करने का ध्यान आ जाता है? दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ज़िंदगी लगता है अपनी मोबाइल, ऐसा लगता है कि इसके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस काम से लॉक खोलते हैं वो काम बाद में करते हैं और पहले आपको दूसरे काम मोबाइल के अंदर याद आ जाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आपको ध्यान से हर एक व्हाट्सएप मैसेज को पढ़ने की आदत पड़ चुकी है? कहीं ऐसा तो नहीं आपको बार बार फेसबुक चेक करना पड़ता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके कई कई घंटे फेसबुक पर वीडियो देखने में निकल जाते हैं, उन्हें स्क्रॉल करने में आपको स्क्रीन का आपका समय बर्बाद हो रहा है? अगर ऐसा है तो तुरंत रुककर देख लीजिए, आप भी नवोफोबिया के शिकार हो चुके हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके हाथ में जो यंत्र है, हम और हमारे बच्चे जिसे अपनी ज़िंदगी समझ रहे हैं, ये आपका एक बहुत बड़ा शत्रु है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हर साल आप जिस साल की चाहें उस साल का रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इसी फ़ोन एडिक्शन को लेकर हर साल हजारों रिसर्च गूगल पर पब्लिश होती हैं, जिसे पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम होती होगी। और इन रिसर्च के अंदर हमें बताया जाता है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने वालों की परसेंटेज कितनी है, और गेमिंग पर गेम खेलने वालों की परसेंटेज कितनी है, और दोस्तों और दूसरी चीज़ों में मोबाइल को टाइम देने की लिमिट क्या है। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी रिसर्च हर साल पब्लिश होती हैं गूगल पर, जिसे आप जाकर खुद भी चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, ये नमोफोबिया इतनी खतरनाक बीमारी है, अगर इसके खिलाफ हमने जल्द से जल्द कोई बड़े और कड़े फैसले नहीं लिए तो आपका और आपके बच्चों का फ्यूचर ये बर्बाद कर सकता है। आपके फ़ोन में जो ये एप्लीकेशन है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर, यानी कि AI की मदद से इतना ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांग बना चुकी हैं कि जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। इवन कि अगर मैं आपको बताने खड़ा हो जाऊं तो कई घंटे इस वीडियो को बताने में निकल जाएंगे। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया ऐप जो हैं आपको इतना जानती हैं कि आप भी इतना अपने आप को खुद को नहीं जानते होंगे, क्योंकि आप इन्हें इनके नाम से जानते हैं और ये सोशल मीडिया ऐप्स आपको आपके एक यूनिक नंबर से जानती हैं। यानी कि आप इन ऐप्स की नज़र में एक नंबर के सिवा आपकी कोई औकात नहीं है। दोस्तों, पहले इन सोशल मीडिया ऐप्स को मोबाइल के लिए बनाया जाता था, लेकिन आज के टाइम पे मोबाइल को ही इन सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के लिए बनाया जाता है। और ये सोशल मीडिया ऐप्स अपनी AI टेक्नोलॉजी की मदद से आपके दिमाग को अच्छे से ऑब्जर्व कर रही है और अपनी ताकत को दिन ब दिन बढ़ाती ही जा रही है। और दोस्तों, इतना पावरफुल हो चुका है कि आपको पता भी नहीं चलता आप किस लिए अपने मोबाइल का लॉक खोलते हैं और देन उसमें क्या से क्या करने लग जाते हैं। और ये सोशल मीडिया ऐप्स अपने यूनिक फीचर्स की वजह से हमारे अंदर इसका जहर जो है दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, और हम और हमारे बच्चे इनके फीचर्स और पॉलिसी के आगे चारों खाने चित्त पड़े हैं। दोस्तों, ये सब जानने के बाद क्या अब भी आप मोबाइल को अपनी ज़िंदगी समझेंगे, या फिर इस मोबाइल को अपने काम के लिए इस्तेमाल करेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इससे सिर्फ और सिर्फ नॉलेज हासिल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे और एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज करेंगे? ये फैसला आपको करना है, ये जीवन आपका है और ये आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, ये जीवन जो हमें मिला है, ये 4 इंच का हमारा सुपर कंप्यूटर, और ये हमारी लाखों करोड़ों रुपए की आंखें, और ये हाथ पैर जो लाखों अरबों रुपए देकर भी आपको नहीं मिलेंगे, और ये एडवांस फीचर वाला ये शरीर जो हमें मिला है, क्या इसे ऐसे ही व्यर्थ जाने देना है, या फिर अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे बड़े और कड़े फैसले लेना है और अपने जीवन को कुछ ऐसा बड़ा करने में लगाना है जिससे हमारे जीवन को गर्व हो जाए? साथ मैं रियाज बारिश, आपका दोस्त, आपको इस वीडियो के माध्यम से चैलेंज करूंगा इन 4 सवालों के जरिए, और इन सवालों के जवाब आपको अपने जीवन में तलाशना है। दोस्तों, आप हर मिनट में 16 से 20 सांसें लेते हैं, इस हिसाब से आप हर घंटे 25,920 सांसें लेते हैं, और इसे अगर आप मल्टीपल करेंगे 1 साल से तो आपका पूरा 1 साल जो है 93,31,200 सांसें लेते हैं।
और जो फ्री में आप ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं इस प्राकृतिक के लिए, क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप एक पेड़ लगाएं? तो आप अपने पूरे जीवन से इसे काउंट कीजिए, आपने अभी तक टोटल कितनी सांसें ले चुके हैं और क्या आपने अपने जीवन में कोई एक भी पेड़ लगाया है? यदि नहीं तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है? दोस्तों, सवाल नंबर दो से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप जो भी सोशल मीडिया पर कंटेंट यानी कि जो भी वीडियो देखते हैं या लाइक करते हैं वो दूसरों को सजेस्ट में ज़्यादा जाती हैं, यानी कि वो चीज़ फैलती है। तो इस बेस पे आपको सोचना है कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ वही वीडियो देखी हैं जो आपके काम की थी और आपने सेक्सुअल कंटेंट नहीं देखा है। जो भी आपने वीडियो देखी हैं वो गर्ल से रिलेटेड नहीं थी। सवाल नंबर तीन, मेरे जो भी सपने हैं मैं उन्हें पाने के लिए अपनी 100% ताकत झोंक रहा हूँ, यानी कि उस पर 100% एनर्जी डाल रहा हूँ और उसे पाने के लिए मैं हर वो काम कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। सवाल नंबर चार, मैंने अपनी लाइफ को अभी तक ऐसे जिया है जैसे मुझे जीना चाहिए था और मैंने समाज और सोसाइटी और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। साथियों, अगर ये वीडियो आप तक किसी माध्यम से पहुंचा है तो ऐसे ही बदलाव और क्रांतिकारी वीडियो देखने के लिए तुरंत YouTube पर रियाज वारिस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें और ये वीडियो उन सबके साथ में शेयर करें जिन्हें आप हमेशा खुश देखना चाहते हैं। उम्मीद है ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।